आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग में करीब 50 दिन बाकी है, लेकिन हर कोई अपनी टिकट को पक्का करना चाहता है या कहीं कि अपने इलाके का नेताजी बनना चाहता है, और यही कारण है कि इन दिनों दल बदल का दौर चल रहा है और कल भी एक ऐसा ही बदलाव बड़ा होने जा रहा है जो एक बार फिर से मारवाड़ के सियासी समीकरण को बदल कर रख देगा। अब ये बदलाव क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी शंखनाद हो चुका है, योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन हरावल दस्ती में रहेगा और कौन पिछले मोर्चे से संबल देगा, लेकिन हर कोई अपने चेहरे को अग्रिम मोर्चे पर दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हाँ मैं हूँ वो जो इस चुनावी रण में न केवल जीत दर्ज करेगा बल्कि पार्टी को ऊंचे दर्जे पर ले जाएगा। अब इस कवायद के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे सामने वाले योद्धा के साथ मिलना पड़े या चाहे अपने ही दल के खिलाफ लड़ना पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 की, जिससे पहले मारवाड़ इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है, या कहें कि एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जिसकी हर हलचल पर सूबे के साथ देश की नजर भी है। यहाँ बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक जसवंत सिंह के विधायक बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि जब से उन्होंने स्वाभिमान रैली की तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी छोड़ रहे हैं, लेकिन पीसीसी चीफ सचिन पायलट के औपचारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पायलट का कहना है कि वे बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, साथ ही कई और नेता अभी कांग्रेस से जुड़ेंगे। पूर्व सांसद और विधायक मानवेंद्र सिंह जी कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, और मुझे लगता है कि ये लंबी कतार है भाजपा के नेताओं की जो सत्ता में रहते ने के बावजूद भी वसुंधरा जी के रवैये से और सरकार के कामकाज से नाखुश होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। अब दल बदल का दौर चल रहा है तो वाजिब है कि प्रभावित पार्टी वाले इसे दूसरी पार्टी की साजिश बताएंगे या फिर दल बदलने वाले नेता जी की सोच। कांग्रेस की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के छिटकाए हुए नेताओं को प्रलोभन देकर उनके साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो मानवेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि एक बड़ा धोखा उनके लिए तैयार कर रखा है और उससे वो सावधान रहे। ऐसा नहीं है कि मारवाड़ में ये पहली बार हो रहा है, इतिहास उठाकर देखें तो पहले भी ऐसा दल बदल हो चुका है। पिछले ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने हारे कर्नल सोनाराम को बीजेपी ने ही लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया, जिससे जसवंत सिंह खुद नाराज हो गए थे और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में कर्नल सोनाराम की जीत हुई, या कहें कि मोदी लहर में वे जीत गए थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग माना जा रहा है। दल बदल का ये दौर तो चलता रहेगा, असली खेल तो टिकट वितरण के बाद शुरू होगा। हो सकता है कि चुनाव से पहले कई और नेताजी इधर से उधर हो जाए, लेकिन देखना ये होगा कि इससे किस दल को फायदा होगा और किसको नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।